फीफा वर्ल्ड कप 2023 एक 23 साल के लड़के ने पूरी अर्जेंटीना टीम की बोलती बंद कर दी। जिस अर्जेंटीना टीम में लेजेंडरी फुटबॉलर मेसी अपोजिशन में खेल रहे हो, ये बंदा अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी मैच तो नहीं जीत पाया, पर उस दिन लोगों के मुंह पर अर्जेंटीना टीम की जीत से ज़्यादा इस बंदे की चर्चा थी। किसने क्या खूब कहा कि हार कर जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं, और आज जिस बंदे की बात कर रहा हूँ वो फुटबॉल की दुनिया में बादशाह शुरू कर दिए, और आज उसी बंदे की कहानी आपके सामने बोलने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस बंदे की खेल को लेके पागलपन देखोगे ना तो आप भी इसके फैन हो जाओगे। इस बंदे ने 16 साल की छोटी सी उम्र में ही अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की, और जस्ट इसके एक साल बाद 17 साल की उम्र में इस बंदे ने अपने करियर का पहला गोल दाग कर पहले हाईएस्ट गोल स्कोरर बन गए। और यहाँ से इस बंदे की फुटबॉल जर्नी कहे या टर्निंग पॉइंट शुरुआत होती है। और फिर साल 2018 में इस बंदे ने फीफा वर्ल्ड कप जिताकर पूरी दुनिया भर में एम्बाप्पे नाम का जंका बजा दिया, और इसके बाद ये बंदा यहाँ तक नहीं रुका और अपने दमदार खेल से 2023 में अपने टीम को फाइनल तक नहीं लेके गया, बल्कि अपने खेल से मेसी जैसे 2000 प्लेयर के होते हुए भी अर्जेंटीना जैसी टीम के पसीने छुड़ा दिए। दोस्तों, उस दिन गोल्डन बूट का अवार्ड लेते वक्त इस बंदे का एक्सप्रेशन पूरी दुनिया के सामने था। इतने बड़े अवार्ड मिलने के बावजूद भी चेहरे पर हंसी नहीं थी, क्योंकि इस बंदे को इससे ज़्यादा वर्ल्ड कप खोने का अफसोस था। दोस्तों, ऐसे पागल और सरफीले लोग ही इतिहास रचते हैं, क्योंकि इन्हें जो चाहिए उसके लिए हर परेशानियों को पार कर जाते हैं। जहाँ तुम जैसे लोग अपनी हालातों का बहाना देते हैं, और ऐसे लोग दुनिया के 90% लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, एम्बाप्पे रोनाल्डो मेसी लोग इनके फैन हैं? नहीं, इनके अंदर जो जिद और पागलपन भरा है लोग इनके फैन हैं, और ऐसा पागलपन लाखों में किसी एक में होता है। दोस्तों, ये वही बंदा है जिसे कभी फुटबॉल खेलने के लिए अपने पापा का शू पहन के जाना पड़ता था, क्योंकि इस बंदे के पास शू खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे, और फादर के शू ओवरसाइज होने की वजह से ये बंदा उस शूज में सॉक्स भरकर वो गैप भरता था। ऐसी हालातों से लड़कर ये बंदा इस मुकाम तक पहुंचा है, और आज ये बंदा एफसी पेरिस एंड जर्मनी के साथ इस बंदे ने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया। इसके लिए इस बंदे को 5,250 करोड़ मिलेंगे। ये आप सोच सकते हो कि ये वही बंदा है जिसे कभी अपने पापा का शू पहनना पड़ा था। दोस्त, इनके फादर विलियम फ्रेड एम्बाप्पे एक फुटबॉल कोच थे और माँ हैंडबॉल प्लेयर। फिर भी घर के हालत कुछ ऐसे थे कि खाना खाने के लिए ब्रेड के सिवा कुछ नहीं होता था। दोस्तों, स्पोर्ट्स में पॉजिटिव साइड ये है कि अगर आप फेमस हो जाते हो तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होती है, और अगर ऐसा नहीं होता तो ज़िंदगी बदतर से बदतर हो जाती। ये सब देखने के बावजूद भी इस बंदे ने हार नहीं मानी, क्योंकि इसे किस्मत से ज़्यादा अपने ऊपर भरोसा था। इसीलिए कहते हैं ना, अगर भरोसा खुद पर हो तो ऊपर वाला भी आपको उतना देता है जितना आप मेहनत करते हो, और साला ऐसे लोग अपने परेशानी को अपना ताकत बनाकर किस्मत को भी अपने आगे झुका देते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, अगर आपके आइडल्स आपके राइवल बन जाते हैं तो समझ जाना कि आप सक्सेसफुल लोगों के लिस्ट में आ चुके हैं। ऐसा ही कुछ हुआ एम्बाप्पे के साथ, जहां ये बंदा रोनाल्डो के लिए इतना पागल था कि इसकी पर्स में और पॉकेट और यहां तक पूरी दीवार पर रोनाल्डो का फोटो लगा हुआ था, और आज ये बंदा रोनाल्डो को भी पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, ये बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ 36 के उम्र तक रोनाल्डो किसी भी वर्ल्ड कप मैच में 7 गोल से ज़्यादा नहीं कर पाए, वहाँ ये बंदा 23 साल की उम्र में रिसेंट वर्ल्ड कप में 9 गोल दाग कर अपने आइडल क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी पीछे छोड़ दिया। ये सब किस्मत का नहीं दोस्तों, मेहनत का खेल है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाओ।